बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल है 2023, 29 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी और वैसाखी की 8 तारीख यानी बिक्रमी, और मार्केट 500 पॉइंट प्लस है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक शाम के 7:45 बज चुके हैं और हम लोग चांद की रोयत मतलब विजिबिलिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चांद की कोई शहादत नहीं मिल रही, तो लिहाजा इसके हिसाब से हमने अपने जो वीलॉग्स हैं या जो हमारी डेली अपडेट्स हैं वो शूट कर दी हैं, और उसमें यही लिखाया है कि भाई 22 तारीख को ईद होगी यानी कल जुमे का दिन जुमतुल विदा होगा। तो बहरहाल आप मार्केट ने भी बहुत अच्छा बिहेव किया, 500 पॉइंट्स प्लस रही है। इसकी वजूहत आपके सामने है, शायद सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ मुस्बत रुझान दिखाया है, कुछ ये है कि IMF से भी कोई हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और तीसरे है कि हमेशा जो पंटर्स होते हैं ना वो माल बेचे जाते हैं। बहरहाल आज मैं आपके लिए 2-3 वीलॉग्स कर रहा हूँ और ये पुरजोर इशरार पे कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने फेवरेट स्क्रिप्ट के बारे में बात करता हूँ, वो है KAPCO। आज KAPCO जिन्हें काफ़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, 25.80 रुपये तक चला गया था, वहाँ से करते करते ये 25.33 रुपये बंद हुआ। और बात ये थी कि जब मैंने इसकी वीलॉग डाला था आज से 3 दिन पहले, तो मैंने कहा था KAPCO इज नाउ इन अ बाइंग रेंज। उस वक्त KAPCO 2 हफ्ते पहले 23.99 रुपये का था, तो जिन लोगों ने मेरे कहने पे 23.99 रुपये उठाया, आज मैंने उन लोगों से उन्होंने रिंग किया कि सर हमने अपनी डिलीवरी 25.10, 25.20 पे भेज दी है, हमें कम से कम काफ़ी फ़ायदा हुआ। जिन जिन्होंने मेरी एडवाइस पे अमल किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने काफ़ी किलिंग की है। बहरहाल जो हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो आपको दो बातें कर दें। एक तो ये है कि ये इसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है, ये बोर्ड मीटिंग आपके सामने है, ये देखिए कह रहे हैं बोर्ड मीटिंग विल बी हेल्ड एट इस्लामाबाद, और ये कह रहे हैं जनाब ये 26 तारीख को टू डिक्लेरेशन ऑफ एनी एंटाइटलमेंट। तो मेरे हिसाब से कोई इतनी मेरी मुस्बत उम्मीद नहीं है, मैं कोई पता नहीं कि आपको सरप्राइज दे दे और आपको ये डिविडेंड दे दे, बट मेरी मैं इतना इसमें बोलिश नहीं हूँ। और ये मेरे ख्याल कभी इसकी रवायत नहीं है कि ये इसको आपको थर्ड क्वार्टर में दे, हमेशा ये सेकेंड क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में ना फाइनल क्वार्टर में ही हमेशा डिविडेंड देता है। बहरहाल जो दूसरी पॉजिटिव चीज़ इसके KAPCO के बारे में ये आ रही है कि KAPCO स्लोली स्लोली मैंने कहा था अगस्त में ये 27-28 रुपये का हो जाएगा, तो अगर आपके पास अभी कुछ थोड़ा सा सरमाया है तो ऐसा ऐसा करके इसको खरीदते जाएं और 28-29, 28-29, 30 ये जाके आप सितंबर में जब इसकी फाइनल होगा तो आपको ये ठीक ठाक मुनाफा देगा। चौथी चीज़ के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी गर्मी की जो शिद्दत आएगी तो बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और प्लांट इनका काम करना शुरू कर देगा। जब प्लांट काम करना शुरू कर देगा तो कंपनी भी प्रॉफिट में आ जाएगी। बहरहाल मेरी बड़ी स्टैंडर्डाइज कॉल है, प्लीज़ स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग शेयर्स ऑफ KAPCO एट दिस लेवल। अभी लेवल इसका 25 रुपये है, 25.25 है, और मेरे हिसाब से एक मैं आपको इनसाइट दे रहा हूँ, अगर ये 26 तारीख को डिविडेंड नहीं देता तो ये शेयर गिर गिर के 24.5 पे आ जाएगा, फिर इसका बाइंग रेंज बनता है। तो मेरे हिसाब से देखिए इसको 26 तारीख को देख लीजिएगा, डिविडेंड नहीं आया तो 24.5 पे आ जाएगा, वहाँ ख़रीद लीजिएगा, वहाँ से लेते जाइएगा। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होती है। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान प्योरिटी एंड फ्रेशनेस प्रिजर्व्ड इन एन ऑल न्यू ग्लास बॉटल, वाटर जस्ट गॉट बेटर। मुरे स्पार्कलेट्स, अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ मुरे ब्रूअरी।